नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी DDU में शुक्रवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया। इसके बाद वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए पुलिस वालों से भी मारपीट की। बाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर ABVP कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बवाल में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, 3-4 ABVP कार्यकर्ता और कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया। मौके पर हंगामा होता रहा। 3-4 थानों से फोर्स तैनात की गई। 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ABVP कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में फैली अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के मुताबिक वाइस चांसलर ने आश्वासन के बाद भी किसी समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद 13 जुलाई को ABVP कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। उस दिन कार्यकर्ताओं ने 3 गेट के ताले भी तोड़ दिए थे। इसके बाद वाइस चांसलर ने एक एक कर छात्रों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया था कि जल्दी इन सभी का समाधान कर दिया जाएगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।